इस बाइक से इजीली कोई भी डिवाइडर आप क्रॉस कर सकते हो मैंने हजार इंडिकेटर फ्लैशर इंस्टॉल करवा के रखा हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर आप अपाची आटीआर वन सिक्सटी लेना चाहते हो या फिर ऑन कर रहे हो तो इसमें क्या, क्या क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरी बाइक खड़ी है ओवरऑल इसके बारे में मैं कुछ बातें करूँगा आपसे ये बताऊँगा कि इसमें मुझे क्या क्या, क्या प्रॉब्लम फेस करने की हुई मैं इस गाड़ी को लगभग साढ़े किलोमीटर डेढ़ साल तक चला चुका हूँ ओवरऑल गाइस इस बाइक को मैं चला रहा हूँ खुद तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अगर ये बाइक आप लेने का सोच रहे हो या फिर ले

पाँच सौ तेरह किलोमीटर गाड़ी चली है सर्विस रिमाइंडर आ रहा है सर्विस मैंने करा दिया उसको भी हटाया नहीं है उसको नेक्स्ट वीडियो में हटा दूंगा ओवरऑल गाइस अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में तो अभी जो 2022 या 23 में जो मीटर कंसोल आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गया उस पर गेयर इंडिकेटर पोजीशन आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इसमें फीचर देखने को मिलेगा ये 2021 मॉडल है तो इसमें ये सब देखने को नहीं मिलता है ओवरऑल गाइज आर मीटर ऊपर मिल जाता है नीचे की तरफ आपको देखोगे मोड और सेट का साइड लेफ्ट साइड में बटन मिल जाता है मोड का अगर मैं बटन दबाता हूँ गाइज तो आपको देखोगे ट्रिप वन देखने को मिलेगा ट्रिप टू देखने को मिलेगा यहाँ पर फिर आपको हाई स्पीड देखने को मिलेगा एक कमाल का फीचर इसमें मिलता है जीरो टू सिक्सटी की स्पीड आपकी बाइक कितने देर में अचीव की है फाइव पॉइंट वन सेकेंड में ये जीरो टू सिक्सटी पकड़ा चुका हूँ मैं तो वही रिकॉर्डेड स्पीड इसमें शो करता है अब गाइस और कुछ इसमें फ़ीचर्स नहीं मिलता सिर्फ इतने ही आपको फ़ीचर्स जो बेसिक होते हैं वही मिलता है गाइस अब गाइस बात कर लेते हैं हैंडल और स्विच क्वालिटी के बारे में तो मुझे अभी तक डेढ़ साल में स्विच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बटन शटन प्रॉपर वर्क करते हैं हैंडल भी अभी तक कोई प्रॉब्लम अभी तक मेरे को फेस करने को नहीं मिला है बार रेंट्स और क्लीपर्स और भी कोई भी चीज़ से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला गाइस आप देख सकते हो पीछे से लुक इस तरीके से देखता है पर्सनली पीछे का जो इसका टेल आईडी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक में देखने को मिलेगा ऐसा लगेगा कि अंदर मोतियों की लाइट जल रही है छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा एल में मिलता है काफ़ी ज़्यादा कूल cool लगता है गाइस एल का बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इंडिकेटर मैंने इसका स्टॉक जो हेलोसन आता है उसको चेंज करवा के एल करवा दिया है और गाइस मैंने इसमें हज़ार फ्लैशर भी इंस्टॉल करवा के रखा है तो आगे इसके बारे में बात करते हैं पहले जला देता हूँ हज़ार एक बार आपको जला के दिखा देता हूँ देख सकते हो हज़ारट जलने पे कुछ इस तरीके से पीछे से लुक आता है गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है आ, मैंने राइट साइड वाला जो मेरा बल्ब है हेलोजन है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर जो है एल है ये एक्चुअली मेरा बल्ब फ्यूज़ हो गया है इसके लिए मैं टेम्प्रोरी लगा के रखा हूँ गाइस आगे से मैं आपको लुक थोड़ा दिखा देता हूँ कि हज़ार का लुक्स आपको आगे से कुछ देखने में ऐसा लगता है में काफी ज्यादा गाइस कुल देखता है सोलह के सोलह टोटल मोड देखने को मिलेगा गाइस इसका पूरा प्रोसेस का वीडियो आपको आई बटन में में आ रहा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो वारंटी भी आपका सेफ रहेगा कोई भी वारंटी से मैंने छेड़खानी नहीं किया ना ही कोई वायर से छेड़खानी किया प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है अब गाइस बात करते हैं सबसे बड़े जो प्रीमियम इसका फ़ीचर्स मिलता है काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मुझे पसंद है इसका हेडलाइट हेडलाइट्स की विजिबिलिटी गाइस सीरियसली अमेजिंग है गाइस नीचे आपको लो बीम मिलेगा ऊपर आपको हाई बीम मिलेगा सीरियसली नाइट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है अब गाइस एक बड़ा फीचर्स के बारे में बात करें जिसका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है डेली लाइफ में इसका जो ग्राउंड क्लियरस गाइस आप देख सकते हो हाईवे का छोटा मोटा अगर डिवाइडर है तो सीधा आप गुजार सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन ये फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका ग्राउंड क्लियर इसके लिए मैं बता रहा हूँ मैं इसको विलेज में भी चलाता हूँ गाइस काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबर रोड पे ईजली बाइक ट्रेवल कर लेती है कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को गाइस इस बाइक में नहीं मिला नीचे से इंजन पहली टच भी नहीं हुआ है अभी तक अब गाइस इन दिनों गाइस मुझे इस बाइक में एक प्रॉब्लम देखने को मिली इसके इंजन से जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी प्रॉब्लम कह सकते हो गाइस इसका जो इंजन का क्रैंक है ना उसके क्रैंक से एक आवाज़ आता है अगर बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अगर आप मई जून के गर्मी में चलाते हो बाइक काफ़ी ज़्यादा अगर रन कर ले तो इंजन के क्रैंक से खटखट खटखट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा आपको इरीटेट करती है और बहुत ही ज़्यादा ऑर्ड लगता है नई बाइकों में अगर ऐसी आवाज़ें आती है तो काफ़ी ज़्यादा दिल की धड़कने तेज़ हो जाती है कैसे इसके बारे में मैंने सर्विस सेंटर वालों से भी बात किया उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है इंजन से हीट होने के बाद ये प्रॉब्लम आती है बाइक सीरियसली अगर ठंडा

नो डाउट गाइस ब्रेकिंग बहुत अच्छी है लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसका बाइट मुझे मिल नहीं रहा फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक से गाइस एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इंजन के अंदर गंदी चले ये तो प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी सी मतलब आपको देखने को मिलेगा अंदर से बाइक गंदी हो जाती है तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि अंदर बिल्कुल भी आपको जगह नहीं मिलेगा कि आप हाथ डाल के या फिर कुछ डाल के साफ़ कर सकते हो बाइक ऊपर और नीचे से हर जगह तो प्रॉपर क्लीन हो जाती है लेकिन थोड़ा सा आपको इंजन के साइड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अब गाइज बात करते हैं हाईवे एंड सिटी राइड में और विलेज राइड में आपको माइलेज क्या देखने को मिलेगी ओवरऑल गाइज मैं इस बाइक को डेढ़ साल से चला रहा हूँ मैंने तीन बार इसका माइलेज टेस्ट किया है माइलेज टेस्ट की वीडियो भी मैंने बनाया है तो मेरे को फिफ्टी फोर्टी फाइव प्लस माइलेज निकल के गई है अराउंड फिफ्टी तक भी माइलेज निकल के गई है इसका क्यों गई है मैं इसके बारे में बता दूं क्योंकि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइड करता हूं बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे इसको रैप नहीं करता हूं और सबसे बड़ी बात गाइस मैं बता दूं कि मैं इसका जो एक फ़ीचर जिसमें आपको देखने को मिलता है क्रूज़ कंट्रोल मोड जैसे कि टी वी उसको अपने लैंग्वेज में कुछ और कहता है मुझे नाम नहीं पता है और जैसे कि आप देखोगे बाइक को अगर आप एक्सीटर नहीं दे रहे हो अगर आप गियर चेंज कर रहे हो तो हर एक प्रॉपर गियर पर आपको स्पीड देखने को मिलेगी तो मैं उसी से इस बाइक को ज़्यादा चलाता हूँ ऑटो ड्राइव मोड पर अब जैसा कि आप देखोगे अभी मैं आप बिल्कुल भी थ्रोटल का इस्तेमाल नहीं करूँगा बाइक एक अच्छे खासे स्पीड पर चलेगी बाइक की जो फर्स्ट गियर की स्पीड रहेगी सात रहेगी जो सेकेंड गियर की स्पीड रहेगी बारह रहेगी थर्ड गियर की स्पीड सत्रह रहेगी

देख सकते हो एग्जॉस्ट नोट मिलता है ओवरऑल इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक मिलती है इससे पूरा हटके मिलता है इसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो एक वन और टू इसमें डबल बैरल आपको मिलता है तो गाइस जैसा कि आप देखोगे इसका लुक्स जो बाइक के साथ मैचअप करता है ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इसका जो डुअल बैरल है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट आपको करता है अब गाइस मैं बाइक को स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ 見えない एग्जॉस्ट नोट आपको जो सुनने में मिलेगा ना काफ़ी ज़्यादा इसमें बेस मिलेगा गाइस एक टायर के बारे में बात करें तो इसका टायर पीछे का जो सेक्शन मिलता है 130 सेक्शन का मिलता है कॉर्नरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बाइक के साथ आपको फील आने वाला है इसका जो टायर है काफ़ी ज़्यादा आपको वाइडर मिलता है ओवरऑल गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल लाइक करिएगा अगर कुछ सवाल और सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो अगर गाइस आप अपने अपाची आरटीआर या फिर कोई भी बाइक में अगर आप हज़ार फ्लैशर इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप अपाची आरटीआर टी वन सिक्सटी फोर वी का माइलेज टेस्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो आप नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो राइट साइड में क्लिक करके चैनल को डायरेक्ट ही सब्सक्राइब कर सकते हो और विजिट कर सकते हो डायरेक्ट चैनल पर थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में तब तक के लिए बाय